नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और मेरे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे TPMS के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये टायर का ऑनबोर्ड PSI यानी कि प्रेशर हम लोग को बताएगा। दोस्तों, ये जो फीचर है वो हाई एंड कार्स में बहुत ही कॉमन है, ऑडी BMW में बहुत कॉमन, लेकिन आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज की वजह से हम लोग ये हमारे जो हम्बल कार्स है उसके अंदर भी लगा सकते हैं इसको। दोस्तों, इंडिया में एक्सीडेंट्स के दो मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले तो है लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद की कमी, और दूसरा है टायर फटने की वजह से। अगर आपका टायर अंडर इन्फ्लेटेड होगा या ओवर इन्फ्लेटेड होगा तो आपके टायर को डैमेजेस हो सकते हैं, और इस केस में टायर फटने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अगर टायर प्रेशर कम होगा तो टायर फटने का चांस ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए हमेशा जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है उतना रखना है, या फिर उससे 1 या 2 PSI आप ऊपर रख सकते हो। दूसरी चीज़, जो टायर का प्रेशर होता है वो हमेशा कोल्ड प्रेशर होता है। कोल्ड PSI का मतलब क्या है? कोल्ड PSI मतलब जब भी आपकी गाड़ी बहुत देर तक स्टैंडिंग हो और वो बाहर के जो आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उससे इक्विलिब्रियम हो जाए, मतलब बाहर फॉर एग्जांपल 30 डिग्रीज है तो अंदर भी 30 डिग्रीज हो जाएगा, तभी उसको हम लोग बोलते हैं कि एनवायरमेंटल के पार है वो, और वो टाइम पे आपको प्रेशर सेट करना होता है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग गाड़ी चला लेते हैं उसके बाद में प्रेशर सेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब कभी भी आपकी गाड़ी चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से टायर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और उसकी वजह से जो रीडिंग है वो फॉल्स रीडिंग आती है। तो इसलिए कभी भी कोई भी ट्रिप से पहले आपको 1 किलोमीटर के अंदर ही टायर का प्रेशर चेक करवाना है और टायर का प्रेशर ऑप्टिमम करके लेना है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, बार बार लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, तो हर लॉन्ग ड्राइव के पहले आपको टायर का प्रेशर चेक करवाना है। आपको बीच में कहीं पर रुक के, अगर बहुत देर तक आप रुके तो ठीक है, लेकिन अगर आप 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हो और उसमें आपको कभी भी टायर का प्रेशर चेक नहीं करवाना है, क्योंकि टायर जो है वो पूरी तरह से ठंडा हुआ नहीं रहता है और वो आपको नॉर्मल जो प्रेशर आपने रखा था उससे ज़्यादा ही वो बताएगा। उस केस में हम लोग टायर का प्रेशर कम कर देते हैं और उसकी वजह से टायर एक्चुअली अंडर इन्फ्लेट होता है, मतलब हवा कम हो जाती है और उसकी वजह से टायर फटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने एक TPMS इंस्टॉलेशन का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अभी दोस्तों, TPMS बहुत कार्स और बाइक के लिए भी होता है, और ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है एक्सटर्नल TPMS और एक होता है इंटरनल TPMS। एक्सटर्नल मतलब जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, वो टायर का जो बॉल्व बाहर रहता है उसके ऊपर वो लगता है, और इंटरनल मतलब उसका जो सेंसर है वो टायर और रिम के अंदर रहता है। तो सेंसर अंदर होने की वजह से इंटरनल वाला जो TPMS है उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प यानी कि मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सटर्नल वाले में ऐसे कुछ ज़रूरत है नहीं। और क्योंकि इंटरनल वाला अंदर होता है इसकी वजह से कोई थेफ्ट का चांस ही नहीं है, एक्सटर्नल वाले में थेफ्ट का चांस होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज आजकल एंटी थेफ्ट डिवाइस के साथ उसको बेचती है। इंटरनल वाला TPMS होता है उसका 4-5 ईयर्स बैटरी लाइफ रहता है, और एक्सटर्नल वाले का सिर्फ 1 साल रहता है, तो आप एक्सटर्नल वाले में बैटरी भी चेंज कर सकते हो। अब ये TPMS काम कैसे करता है? तो अंदर लगा हुआ होता है, इसके अंदर एक ब्लूटूथ का सेंसर है, आपके मोबाइल में भी ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ जो है वो कनेक्शन का जरिया हो गया। एक आपको ऐप इंस्टॉल करना होता है जो कि आपको टायर प्रेशर बताते रहता है कंटिन्यूसली ऑन बोर्ड। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे TPMS के डिवाइसेज अवेलेबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर मेड इन चाइना, और आत्मनिर्भर भारत है तो मुझे तो इंडियन ब्रांड्स ही पसंद है। तो इसलिए मैंने एक इंडियन स्टार्टअप है जिसका नाम है टिमटिक्स करके, और उनका एक प्रोडक्ट है सेंस एरी TPMS, तो मैंने वो अमेजोन से लिया था। उसकी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में हाईलाइट कर दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो वहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ इसमें मुझे ये लगे कि एक तो इसमें लाइव आपको प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, और दूसरी चीज़ इसमें एक अलार्म भी होता है। अगर आपका टायर अगर बहुत अंडर इन्फ्लेट होगा या ओवर इन्फ्लेट होगा तो रेड कलर का मार्क आ जाएगा, और वहाँ पे आपको समझ लेना है कि अभी आपको टायर का प्रेशर एडजस्ट करना है या फिर कम ज़्यादा करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका इंस्टॉलेशन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ और पेयरिंग भी बता देता हूँ, और फिर मिलते हैं हम लोग लाइव टेस्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, ये है अपना TPMS सेंस एरी टिमटिक्स का है ये। इसमें 5 सेंसर्स है, 5 सेंसर्स और 6 वॉल्व्स माउंटिंग स्क्रू वॉशर्स के साथ में, और क्विक स्टार्ट गाइड भी दिया है यहाँ पर। तो पैकेजिंग काफ़ी नीट, यहाँ पर ये देखिए स्पेसिफिकेशन, प्रेशर रेंज 10-100 PSI, टायर सपोर्टेड ट्यूबलेस टायर, iOS वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन, बैटरी लाइफ 5+ ईयर क्योंकि इंटरनल सेंसर है। दोस्तों, इसको कर देता हूँ मैं ओपन। सबसे पहले है यहाँ पर ये QR कोड्स, और कैसे आपको साइन इन करना है, व्हीकल कैसे ऐड करना है, ये सब कुछ इस छोटे से पेज में दिया हुआ है। बाद में यहाँ पर ये है इंस्टॉलेशन गाइड, सारे वॉल्व्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 5 सेंसर है, 1, 2, 3, 4,
और ये पाँच यहाँ पर, और ये पूरा स्क्रू का सेट दिया है, इसको आपको घुमाना नहीं है कहीं भी। सो ये है सेंसर सेंस एरी, ओके, मेड इन इंडिया। दोस्तों ये जो QR कोड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सेटअप कर सकते हो, आपको मैन्युअली कुछ करने का झंझट नहीं है। दोस्तों स्कैन कर लिया, व्हीकल एडेड सक्सेसफुली। हर एक सेंसर का एक आईडी होता है, बस इसको आपको क्रॉस चेक करना है, तो मेरे केस में ये परफेक्ट था। दोस्तों इसका वर्किंग बेहद ही सिंपल है, यहाँ पर ये वॉल्व है, इसके ऊपर वॉल्व का ये कैप है, और यहाँ से हम लोग हवा भरते हैं, ये भी ऐसे निकलता है, ये स्क्रू दिया हुआ है, और यहाँ पर ये वॉशर दिया हुआ है स्क्रू के साथ में। ये जो इसका हेड है इसको यहाँ पे ऐसे डालना है, ओके, और इधर जो जो होल है इसके अंदर ये स्क्रू को डाल के ऐसे टाइट करना है, फाइन, तो ये ऐसे बैठेगा। तो दोस्तों ये अभी हम लोग को प्रोफेशनल हेल्प मिल गई है, ये हम लोग का पूना सातारा हाईवे पे है अभी, और ये शिवाय टायर्स, इनकी हेल्प से हम लोग अभी है टायर्स निकाल लेंगे, और एक टायर का मैं इंस्टॉलेशन ये सेंसियरी का आपको बता दूंगा। इसको अभी हम लोग डिफ्लेट कर लिया है, और ये मशीन पे रख के हम लोग मेन टायर को निकाल लेंगे, तो इसकी वजह से आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत लगती है। ये देखिए खाली कवर है, ये गाइड को रिफर कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपको गाइड को लेके जाना है मैकेनिक के पास, इनकेस अगर उनका फर्स्ट टाइम होगा तो। दोस्तों अभी स्क्रू को यहाँ पे लगा दिया वॉल्व को हम लोग ने, अभी ये जो वाइजर अपना मेन सेंसर है उसको हम लोग लगा देंगे यहाँ पे, क्या है यहाँ पे अटैच, ये देखिए, और अभी हम लोग लगा देंगे यहाँ पे टायर, भर रहे हवा। यहाँ पर जब ये भर रहे थे ना, तब यहाँ पे मेरे को मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया कि आपका प्रेशर लो है, क्योंकि वो अभी भर रहा है ना, तो ये काम कर रहा है इसका मतलब। अभी इसको 33 पे सेट कर दिया है, और दोनों भी टायर को हम लोग 33 पे सेट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों अभी ये देख सकते हो कि 33 पे ये जो बैक का टायर है ये 33 पे है अभी, तो एकदम परफेक्टली चल रहा है ये, ओके, और टेम्परेचर इसका 31 डिग्री सेल्सियस है अंदर, ओके। अभी ये देखिए सेकेंड वाला जो है उसका भी, फ्रंट टायर का भी चल रहा है, ये भी कम हो रहा है यहाँ पे, तो सिंक्रोनाइजेशन दोस्तों 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद सिंक्रोनाइज होता रहता है ऑटोमेटिकली वो, तो ये अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये जो क्लिप है वो मैं कुछ दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन तक मैंने इसको टेस्टिंग किया है, और एक जगह पे हम लोग को एक्चुअली जाना था आज, लेकिन जैसे कि हर बार मैं करता हूँ कि जाने से पहले मैंने टायर प्रेशर चेक किया अपने मोबाइल पर, तो ये कुछ अजीब सा दिखाया मुझे आज, तो ये देखिए, तो देखिए फ्रंट लेफ्ट राइट, ये जो रियर राइट है ये थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, देखिए 28.6। तो दोस्तों मैंने पूरे टायर को चेक किया, तो यहाँ पर ये खीला जो है वो देखिए घुसा हुआ है अंदर, और इसके वजह से स्लो पंक्चर हो गया है, और परफेक्टली ये ऐप ने मुझे बताया कि ये पंक्चर है या नहीं है। दोस्तों छोटा सा पंक्चर आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता था, अगर मैंने चेक नहीं किया होता तो आगे जाके टायर बैठ सकता था, अगर मैं हाईवे पे होता तो टायर फटने का चांस बढ़ सकता था, अगर मैं फैमिली वेकेशन पे होता और ऐसे कुछ होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी, तो इसीलिए टायर की हेल्थ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मेरे हिसाब से TPMS लगाना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कंक्लूजन ये है कि अगर आपका टायर का हेल्थ अच्छा होगा तो आपका गाड़ी का हेल्थ भी अच्छा होगा, तो इसीलिए TPMS एक आइडियल टूल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन को भी दबाना ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपके फीड में लगातार आ सके। धन्यवाद, और आप अपना ख्याल रखना और कोरोना से बचे रहना। बाय बाय।